नमस्ते स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम पढ़ने वाले हैं, उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था हाउ कैन वी कंट्रोल फायर तक। उसके आगे का जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन यानी कंबशन कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस स्टोव लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप चलता हुआ लाइटर गैस स्टोव के पास लेकर जाते हैं तो और गैस स्टोव के जो नॉब है उसको ऑन कर देते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप जलती हुई चीज गैस स्टोव को ऑन करके उसके पास लाएंगे तो वो इजिली आग पकड़ लेगा। We find that gas burns rapidly and produces fire, heat and light. हम देखते हैं कि वो तेजी से आग पकड़ता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। Such type of combustion is known as rapid combustion. और इस तरीके का जो combustion है वो rapid combustion कहलाता है। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं phosphorus जैसे जो room temperature पर ही आग पकड़ लेते हैं। The type of combustion in which a material suddenly bursts into the flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. और इस तरीके से फॉस्फोरस का अपने आप ही जल जाना बिना किसी कारण के, इस तरीके का जो combustion है वो spontaneous combustion कहलाता है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mine. कभी कभी जो कोयले की खान होती है उसमें अपने आप ही स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो जाता है कोल डस्ट का, जिसकी वजह से काफी ज्यादा भयंकर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक, हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ह्यूमन बींग। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर द पिकनिक और अ विजिट। कहने का मतलब कई बार फॉरेस्ट में भी स्पॉन्टेनियस फायर लग जाती है, चाहे तो वो बिजली की वजह से भी लग जाती है या सूरज की हीट की वजह से भी लग जाती है। कई बार ह्यूमन बींग की लापरवाही की वजह से भी फॉरेस्ट फायर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। वी जनरली हैव अ फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड एंड सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट लाइट एंड साउंड। हम देखते हैं दीपावली पर या किसी भी त्यौहार पर हम पटाखे जलाते हैं और उनमें हीट लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होती है और ह्यूज अमाउंट में जो है गैस रिलीज होती है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन टेक्स प्लेस इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। यानी कि मतलब क्रैकर पर जब हम बिना ही उसको प्रोवाइड करे हुए उस पर प्रेशर लगा के भी हम एक्सप्लोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्लेम, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। जब आप गैस जलाते हैं, एलपीजी जो सिलेंडर में आती है ऐसी गैस जलाते हैं, तो उसकी फ्लेम को आप कभी देखना और द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम, उसकी और कैंडल फ्लेम को देखना। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7 और मैग्नीशियम रिबन जो आपने बर्न किया था उसकी कलर को देखना। इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग रिमेन आइटम टेबल 6.2 यू कैन डू नो। यानी कि मतलब यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ आइटम आप टेबल 6.2 में से भी ले सकते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। तो आप देखेंगे तीनों की फ्लेम का जो कलर है वो अलग अलग तरीके का है। यहाँ पर आपको एक कैंडल दिखा रखी है, कैंडल फ्लेम दिखा रखी है। यहाँ पर आपको एलपीजी सिलेंडर से प्रोड्यूस होने वाली फ्लेम दिखा रखी है और यहाँ पर आपको लैम्प दिखा रखी है कैंडल, ठीक है। तो आप देखते हैं ना कि जो कैंडल है उसमें येलोइश कलर आ रहा है। येलोइश कलर यदि आपकी फ्लेम शो करती है इसका मतलब जो फ्यूल है उसका कंप्लीट कम्बशन नहीं हो रहा है। यदि ब्लू कलर के साथ फ्लेम जलती है तो इसका मतलब है फ्यूल का जो कम्बशन है वो कम्प्लीटली हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म ऑफ फ्लेम और नॉट। आपको कुछ सब्सटेंस ऐसे पता करने हैं जिनके कुछ ऐसे जो जलने पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे जो जलने पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये आपको टास्क है, आप इसको पता लगाइए। अब जैसे कि आपको टेबल दे रखी है, कैंडल बताइए फ्लेम प्रोड्यूस करती है क्या।
सभी को पता है, करती है। मैग्नीशियम यस प्रोड्यूस फ्लेम। कैम्फर, कैम्फर डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। केरोसिन स्टोव फॉर्म फ्लेम। चारकोल डज नॉट फॉर्म फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। कभी कैंडल को आप जलाइए और होल्ड अ 4 to 5 centimeter लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टॉंग एंड इंट्रोड्यूस इट एंड ऑन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। और उसके पास आप टोंग से पकड़कर एक ग्लास ट्यूब लेकर जाइए, ठीक है, कैंडल की फ्लेम के ऊपर। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। और दूसरी साइड आपको क्या करना है, ग्लास ट्यूब के एक मैच स्टिक लेनी है। यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। क्या आप देखते हैं कि दूसरे एंड पर जो है ग्लास ट्यूब के फ्लेम आती है या नहीं आती है। इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस फ्लेम, नॉट एट द वैक्स नियर द हीटेड वैक्स मेल्ट क्विकली। कहने का मतलब ये नोटिस करना है कि जो विक के पास आपका वैक्स है वो क्या होता है, जल्दी पिघल जाता है। यहाँ आपको दिखा रखा है, देखिए एक तरफ ग्लास ट्यूब के आपने बर्निंग मैच स्टिक लगा रखी है, दूसरी तरफ आपने कैंडल लगा रखी है। मैंने कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट। आपको एक ग्लास प्लेट लानी है और उसके ऊपर कवर कर देनी है और उसे 10 सेकंड के लिए उसके ऊपर कवर करके रखना है। क्या होता होता है, सर्कुलर ब्लैक स्प्रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट साइड। आप देखेंगे वो जो कांच की प्लेट थी उस पर एक रिंग बन जाती है। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। आप देखेंगे जितना भी जलने वाला हिस्सा है फ्लेम का, उतने हिस्से पर आधे जले हुए कार्बन पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इन साइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर 30 सेकंड। आपको एक कॉपर वायर लेना है और उस जगह रखना है जहाँ पर आपको फ्लेम नहीं दिखाई देती, उसके जस्ट ऊपर 30 सेकंड तक। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप देखेंगे इसका जो कलर है वो धीरे धीरे रेड हो जाता है, वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो रेड हॉट तक पहुंच जाता है, यानी इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इसका मतलब जो नॉन ल्यूमिनस जोन होती है फ्लेम की वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। और ये आपको फ्लेम की स्ट्रक्चर बता रखी है कि जो आउटर मोस्ट जोन है जहाँ पर फ्लेम दिखनी बंद हो जा रही है, आपको हल्का हल्का सी धुआं ब्लूइश कलर से दिखा रखा है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का। उसके बाद अंदर की तरफ देख रहे हैं आप येलोइश कलर दिखा रखा है, वो मॉडरेटली हॉट होता है, यानी आउटर मोस्ट से थोड़ा सा कम हॉट होता है। मिडिल जोन जो होती है वो आउटर जोन जो है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होती है, मिडिल जोन मॉडरेटली हॉट होती है, और जो अंदर वाला जो हिस्सा है इनर मोस्ट जोन जो होती है अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल की वो क्या होती है, लीस्ट हॉट होती है, सबसे कम गर्म होती है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर द मेल्टिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। जो सुनार होते हैं वो किसी भी फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन को एक पाइप से ब्लो करते हैं जिससे कि लोहा या सॉरी जिससे कि सोना या चांदी को आसानी से मेल्ट किया जा सके। आपको अंदाजा है कि वो क्यों आउटर मोस्ट जोन को ही ब्लो करते हैं। यस, अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो होती है वो हॉटेस्ट जोन होती है किसी भी फ्लेम की। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, रिकॉल द सोर्सेज ऑफ द हीट एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली वुड चारकोल पेट्रोल केरोसिन दी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल, इट इज चीप, इट बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेटली रेट, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। यानी आप घरों में या इंडस्ट्री में यूज करने वाले यदि फ्यूल की बात करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि फ्यूल मेनली जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, वुड चारकोल पेट्रोल केरोसिन, ये सभी चीजें क्या हैं, फ्यूल हैं। और एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, जो कि हमें सस्ता पड़े और एयर में एक मध्यम रेट से जले। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस फायर वो कैच करे एकदम से या एक्सप्लोजन हो जाए।
और जो कम अमाउंट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे और अपने पीछे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ना छोड़े, तो ऐसा फ्यूल क्या कहलाता है? आइडियल फ्यूल कहलाता है। देर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल। अभी तक ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट हो या वो आइडियल फ्यूल हो। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पार्टिकुलर यूज। तो हम ऐसा फ्यूल चूज करेंगे जिसमें सारी ना हो, कुछ अधिकतर चीजें, अधिकतर गुड कैरेक्टरिस्टिक हो फ्यूल के। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल आर चीपर देन अदर। फ्यूल की जो कीमत होती है वो भी एक दूसरे से अलग होती है। कुछ फ्यूल सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉइल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउडंग कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। आपसे कहा जाए कि आपको कुछ पानी बॉइल करना है काउडंग का यूज करके, कोल का यूज करके, एलपीजी का यूज करके, तो आप कौन सा फ्यूल प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एलपीजी ही प्रेफर करेंगे। गिव योर रीजन, इसका आंसर दीजिए, या पेरेंट से पूछकर भी इसका आंसर सोच सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं एलपीजी से पानी जो है वो जल्दी बॉइल हो जाएगा कंपैरेटिवली, ठीक है, तो इसलिए हम एलपीजी को प्रेफर करेंगे। तो क्या ये तीनों फ्यूल सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, तीनों ही अलग अलग जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन ए कम्प्लीट कम्बशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी किसी फ्यूल का 1 किलोग्राम बर्न करने पर वो जितनी हीट प्रोड्यूस करता है वो उसकी कैलोरीफिक, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होती है वो उतना ही अच्छा गुड फ्यूल होता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर किलोग्राम। और इसको नापने के लिए जो यूनिट यूज करी जाती है वो क्या होती है? किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितने जूल एनर्जी वो फ्यूल प्रोड्यूस करता है। अलग अलग फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आपको इस टेबल में दिखा रखी है, और इस टेबल की स्टडी आप करते हैं तो आप देखते हैं जो हाइड्रोजन है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है? 150,000। यानी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बाकी सारे फ्यूल से काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू द हार्मफुल प्रोडक्ट। कभी कभी फ्यूल को जलाने पर काफी हार्मफुल प्रोडक्ट तैयार होते हैं जो कि हमें अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। और बढ़ता हुआ फ्यूल का जो यूज है वो हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल। दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। कहने का मतलब कोल, वुड, ये सब जब हम जलाते हैं तो इसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल रिलीज होते हैं जो कि सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारियां होती हैं जैसे कि अस्थमा, उसका कारण बनते हैं। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दिस फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज वेरी पॉइजनस गैस, इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। कहने का मतलब यदि इन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले बर्न होने के लिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा जहरीली गैस होती है। और बंद कमरे में आप ऐसा कोल को जलाएंगे तो क्या होता है, कई बार सोते सोते लोगों की डेथ हो जाती है। और कई बार आप न्यूज में सुनते हैं कि सर्दी के दिन में कुछ लोगों ने घर के अंदर ही अंगीठी जला ली थी रूम को गर्म रखने के लिए, और नेक्स्ट डे जो है उस फैमिली के जो मेंबर हैं वो क्या हुआ, सोते ही रह गए, मतलब उठे ही नहीं। तो ऐसे कई सारे केस जो है न्यूज पेपर में पढ़ने को मिलते हैं, तो जो कि हार्मफुल है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कोल को कभी भी बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और अधिकतर फ्यूल जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती ही होती है एनवायरमेंट में, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो
लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फॉर सेंचुरीज वुड हैव यूज्ड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, बट नाउ इट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द कोल एंड अदर फ्यूल लाइक एलपीजी। इन मैनी रूरल पार्ट ऑफ अवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड बिकॉज इजीली अवेलेबल एंड लो कॉस्ट। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव लॉट ऑफ स्मोक व्हिच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग। इट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ट्री प्रोवाइड एस यूजफुल सब्सटेंसेज व्हिच आर लॉस्ट व्हेन द वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। Moreover, cutting of trees lead to the deforestation, which is quite harmful to the environment. Now, हम काफी सौ सालों से जो है वुड का यूज कर रहे हैं फ्यूल के रूप में, लेकिन आजकल लोगों ने कोल और पेट्रोलियम, कोल एलपीजी इन सब का यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर लोग वुड का यूज करते हैं, जिससे कि काफी अमाउंट में स्मोक रिलीज होता है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमन बींग के अंदर। साथ ही साथ लकड़ियाँ जलाने से कुछ लोग पेड़ों को काट देते हैं, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन होता है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। कोल और डीजल जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि ऐसी गैस होती है जो जिसमें सांस लेना ही कठिन है, यानी घुटन की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और पेट्रोल इंजन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं और एसिड बना लेते हैं, और जब बारिश होती है तो साथ में ये एसिड भी बारिश के साथ गिरता है, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, जो कि हमारी क्रॉप के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, जो कि हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सीएनजी इज द क्लीनर फ्यूल। आजकल डीजल और पेट्रोल की बजाय ऑटोमोबाइल में सीएनजी, जो कि कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, उसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करती है, ये एक क्लीनर फ्यूल है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम कंप्लीट होता है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।